मैंself दीपिका शर्मा welcome to our YouTube channel so in this session we will discuss about NID drawing syllabus तो so, सबसे पहले हम basic topics के बारे में बात करते हैं जो हमारे cat section में आते हैं तो so, ये है वो basic four topics जो हमारे cat section में आते हैं cat वाला section is known as creative ability test अगर हम 2024 वाले paper को analyze करें तो total number of questions four थे हैं drawing section

इट मीन्स वो आपको किसी मीडियम के बारे में कोई नॉलेज पूछ लेंगे रिलेटेड टू पेंटिंग रिलेटेड टू आर्किटेक्चर जितना भी आर्ट से रिलेटेड जी के है वो सब वो पूछेंगे पार्ट बी वाले सेक्शन में जो कि होता है हमारा कैट ओके okay, तो पहले हम डिस्कस करते हैं वॉट इज ड्रॉइंग फंडामेंटल तो बेसिक ड्रॉइंग स्किल्स सच एज परसपेक्टिव शेडिंग टेक्स्चर एंड कंपोजिशन ये बेसिक चीज है आपको आना ही चाहिए ओके okay, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे टॉपिक्स से रिलेटेड मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगी थोड़े से सिंपल क्वेश्चन आंसर भी दिखाऊंगी जिससे आपको आइडिया मिले कि आपको इन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है और एनआईटी के एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे पूछे जाते थे ओके okay. और कैंडिडेट शुड बी एबल टू ड्रॉ सिंपल ऑब्जेक्ट्स एंड सीन्स एक्यूरेटली एंड रियलिस्टिकली इसके अंदर बेटा आ जाता है मेमोरी ड्राइंग ठीक है ह्यूमन फिगर एक्सप्रेशन एंड इमोशंस फोर शॉर्टनिंग परस्पेक्टिव और प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन ये सारी चीजें हमें आना जरूरी है अब हम डिस्कस करते हैं पहले कि व्हाट इज मेमोरी ड्राइंग मेमोरी ड्राइंग में आपको कोई भी क्वेश्चन वो फ्रेम करके देंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एज इट इज वो सीन ड्रॉ करना है उनमें आपको पर्सपेक्टिव भी आना चाहिए उनमें ह्यूमन फिगर भी आना चाहिए उनमें आपको नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स भी बनाना आना चाहिए तो ये जितने भी सब टॉपिक्स है ये मेमोरी ड्राइंग वाले सेक्शन में कवर हो जाते हैं ओके और कॉम्पोजिशन को किस तरीके से कॉम्पोज करना है ये हमें पता चलेगा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन सीख कर पहला बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि एनआईडी में आ चुका है क्वेश्चन इसमें आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ परसपेक्टिव सो हमें ये दिए गए थे बेसिक साइकिल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इनको ज्वाइन करके हमें एक प्रपोर्शनेट परस्पेक्टिव में साइकिल ड्रॉ करनी थी तो अगर हम उस साइकिल के पार्ट्स को जोड़ेंगे और साइकिल क्रिएट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी यह हमने पर्सपेक्टिव का यूज करा है प्रॉपर पर्सपेक्टिव का यूज करा है हमें बेसिक हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ानी है कि एक साइकिल कैसे दिखती होगी ठीक है यही एबिलिटी वो जानना चाहते हैं एनआईडी वाले कि आपको आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी अच्छी है ठीक है तो ये पार्ट्स दिए गए थे उससे ये साइकिल बनानी थी आपको तो ये था एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग अच्छे से आना चाहिए आपको व्हीकल ड्राइंग अच्छे से आना चाहिए आपको पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना चाहिए तो so, ये क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से आया तो ऐसे सॉल्व होगा सेकेंड हम बढ़ते हैं सिक्वेंशियल ड्रॉइंग पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एन आई डी एंड निफ्ट एंड अदर डिज़ाइन एग्जाम सिक्वेंशियल ड्रॉइंग वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं ओके okay, अब इनमें आपको कोई भी एक प्रॉपर प्रोसेस को बनाने को बोल देंगे फ्रेम्स दी जाती है आपको लिमिट्स होती है फ्रेम की या तो वो सिक्स फ्रेम में भी कन्वर्ट हो सकता है या तो वो थ्री फ्रेम में भी कन्वर्ट हो सकता है तो पहली वाली अगर हम चीज की बात करें तो इज पटेटो टू पटेटो चिप्स ओके तो पहली वाली फ्रेम में हमने दिखाया पीलिंग एंड कटिंग सेकेंड वाली में हमने फ्राई होते हुए दिखाया एंड लास्ट वाली में हमने पैकेजिंग होते हुए दिखाया सेकेंड की बात करें तो पिकल बनाना था तो पहले प्रोसेस में हमने पहली फ्रेम में हमने दिखाया मैंगो कटिंग ओके सेकेंड में ऑयल और मसाला ऐड करने वाला एंड थर्ड में सनलाइट में रखने वाली चीज दिखाई तो ये प्रॉपर देखा जाए तो ये पूरी प्रोसेस टेन फ्रेम में भी बन सकती थी ये पूरी प्रोसेस थ्री फ्रेम में भी बन सकती थी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक फ्रेम में कितने व्यू डालते हैं या कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोसेस को ऐड करते हैं तो ये होता है बेटा सिक्वेंशियल ड्रॉइंग और इसमें आपको पर्सपेक्टिव भी यूज करना आपको हैंड एनाटोमी भी यूज करना आपको प्रॉपर ऑब्जेक्ट भी बनाना आना चाहिए तो जो हमने पहले टॉपिक डिस्कस करे थे वो सारे टॉपिक यहाँ भी आ जाते हैं इवन इतनी छोटी फ्रेम में आपको कॉम्पोजिशन का आइडिया भी होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कितने बड़े होने चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्रेम नेगेटिव स्पेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए है ना नावेंटी थर्टी परसेंट का रेशो होना चाहिए इट मीन बैकग्राउंड तो अगर इस रेशो को इस प्रिंसिपल्स को हम ध्यान में रखते हुए विद प्रॉपर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई चीज बनाएंगे तो इस तरीके से ड्रॉ होगी अब हम आते हैं ह्यूमन फिगर पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जब भी मेमोरी ड्राइंग वाला क्वेश्चन आएगा आपको ह्यूमन फिगर बनाने ही होंगे तो ये होता है बेटा एक सेवन एंड हाफ इट का ह्यूमन फिगर सेवन एंड हाफ इट का ह्यूमन फिगर मेल और फीमेल दोनों की हाइट का प्रोपोर्शन यही होता है तो ये आपको डिफरेंट एक्शन में डिफरेंट परस्पेक्टिव में ह्यूमन फिगर बनाना आना चाहिए ओके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग ये होते हैं मेमोरी ड्राइंग वाले क्वेश्चन तो यहाँ आपको एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है रिलेटेड टू मटेरियल आपको डिफरेंट टाइप के मटेरियल डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स ड्रॉ करना आना चाहिए ठीक है आपको प्रॉपर सायोग्राफी आना चाहिए सायोग्राफी क्या होता है लाइट एंड शेड्यूज कॉल्ड सायोग्राफी तो आपको प्रॉपर सायोग्राफी करना आना चाहिए आपको एनिमल ड्रॉइंग भी आनी चाहिए एनिमल एंड बर्ड ड्रॉइंग भी आना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते है ना कोई भी पेट एनिमल हमें सीन में बनाने को बोल देंगे तो हमें पता होना चाहिए कि अगर एक कैट को ड्रॉ करना है तो क्या बॉडी का स्ट्रक्चर होगा उसकी एक डॉग को ड्रॉ करना है तो क्या बॉडी का स्ट्रक्चर होगा उसके तो आपको एनिमल ड्रॉइंग भी आना चाहिए अब आते हैं प्रॉपर मेमोरी ड्रॉइंग वाले क्वेश्चन में ये है इंडोर सीन एंड दिस वन इज आउटडोर सीन ओके अब इंडोर सीन में बेटा ये है बस का सीन इसमें हमने हमारे आई लेवल से बनाया है इस पूरे सीन को तो आधे ह्यूमन फिगर सिटिंग पोजीशन में हाफ ह्यूमन फिगर इन स्टैंडिंग पोजीशन ओके okay, और आपका आई लेवल है सिटिंग ह्यूमन पोजीशन के के और आप खुद व्यू व्यू से इस पूरे को बना रहे हो तो ये बस का इंटीरियर कुछ इस तरीके से दिखेगा और ह्यूमन फिगर्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे यहाँ भी हमने प्रॉपर वन पॉइंट परस्पेक्टिव यूज करा है तो आपको तीनों परस्पेक्टिव बहुत अच्छे से आने चाहिए वन पॉइंट टू पॉइंट एंड थ्री पॉइंट ओके देन ये आते हैं हम आउटडोर सीन पे यहाँ भी देखो अलग अलग प्रोफेशन के लोग अलग अलग जगह अपना वर्क कर रही है ये भी पूरा बना है बिल्कुल प्रॉपर परस्पेक्टिव में इन वन पॉइंट परसपेक्टिव अगर कोई दूर ह्यूमन फिगर होगा तो उसकी साइज़ ये होगी कोई सबसे पास में ह्यूमन फिगर होगा तो उसकी साइज़ ये होगी कोई ह्यूमन फिगर अगर नीचे बैठा है तो उसकी साइज़ ये होगी तो इस तरीके से आपको डिफरेंट आई लेवल भी आना चाहिए डिफरेंट परस्पेक्टिव भी आना चाहिए प्रॉपर ह्यूमन एनाटॉमी अच्छे से बनाना आना चाहिए ओके नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिज़ाइन थ्योरी पर तो बेसिक डिजाइन थ्योरी इंक्लूड द एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कलर थ्योरी टाइपोग्राफी एंड ग्राफिक डिजाइन बेसिकेट शुड बी एबल टू अप्लाई टू देयर ओन क्रिएटिव वर्क अब अगर हम बात करें इसमें तो मूड, थीम कलर इंटर रिलेशनशिप यूजेस ऑफ कलर इन कम्पोजिशन कलर साइकोलॉजी एंड ऑप्टिकल इल्यूजन ये सारी चीजें भी आनी चाहिए अब हम बात करते हैं इन दो अच्छे टॉपिक के बारे में जो कि एन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं पहला टॉपिक ये वाला टॉपिक है स्टोरी बोर्डिंग डिजाइन के एग्जाम में स्टोरी बोर्डिंग और कॉमिक स्क्रिप्ट ये दो टॉपिक पूछे ही जाते हैं एंड सेकेंड वन इज रिलेटेड टू पोस्टर डिजाइनिंग ओके पहले हम अगर बात करें पोस्टर की तो यहाँ भी कॉम्पोजिशन के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे ओके देन जिस थीम पे आपको पोस्टर डिजाइन करना होगा वो थीम प्रॉपर इसमें रिप्रेजेंट होनी चाहिए यहाँ टाइपोग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है ओके okay, तो यहाँ टाइपोग्राफी भी उतनी ही जरूरी है जितना हमारा विजुअल uh, सेक्शन है फिगरेटिव uh, सेक्शन है ओके सो पोस्टर आपको किसी भी कोड पर बनाने को दे सकते हैं वो या कोई भी करंट uh, टॉपिक पे दे सकते हैं वो तो पोस्टर कुछ इस तरीके से बनता है ओके okay, देन हम बात करते हैं इधर स्टोरी बोर्डिंग के बारे में तो स्टोरी बोर्डिंग भी आपको डिफरेंट फ्रेम में बनानी होती है इसमें भी आपको कलर का यूज़ करना होगा इसमें भी आपको कलर का यूज़ करना होगा तो इसके लिए आपको कलर थ्योरी बहुत अच्छे से आना चाहिए कलर थ्योरी में आप कलर व्हील से रिलेटेड uh, सारी चीज़ें पढ़ सकते हो कलर व्हील व्हाट इज सी एम वाई के व्हाट इज प्राइमरी कलर व्हाट इज एडिटिव कलर व्हाट इज़ सब्सट्रेक्टिव कलर कलर हारमोनीज क्या होती है व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर एनलॉगस कलर ट्राइडिक कलर तो अगर ये बेसिक कलर का नॉलेज होगा आपको तो आप इस टॉपिक्स में कलर इजीली कर सकते हो अगर हम मीडियम की बात करें तो एनआईडी में ड्राई मीडियम ही अलाउड है एग्जाम हॉल में ले जाना तो आप दो मीडियम यूज कर सकते हो या तो क्रियान या तो पेंसिल कलर्स तो अकॉर्डिंग टू मी पेंसिल कलर टाइम वेस्ट करते हैं तो गो विद द प्लास्टिक क्रियान्स ओके तो ये है टॉपिक स्टोरी बोर्डिंग का कोई भी कोर्ट या कोई भी फेमस स्टोरी का आपके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट करने को दे देंगे तो आपको इस हिसाब से स्टोरी ड्रॉ करनी होगी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में प्रॉपर विध सब टाइटल एंड कलरिंग अब हम आते हैं क्रिएटिव एंड क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन पर तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा आते हैं एनआईडी में इवन यूसीड में भी आते हैं इवन निफ्ट में भी आते हैं तो इनमें क्या करना होता है आपको क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैंडिडेट शुड बी एबल टू कम

थीम डेवलपमेंट एंड कलर एसोसिएशन गुड डिजाइन वर्सेस बेड डिजाइन इनोवेशन इन डिज़ाइन ये सारे टॉपिक जब आप अच्छे से पढ़ोगे इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स देखोगे तब आप जाके एन आई डी में uh, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे हमेशा आपको एक नया क्रिएटिव आइडिया एक सॉल्यूशन देना है क्वेश्चन का अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही बात करें तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको एक ओल्ड एज ह्यूमन का बेडरूम डिजाइन करना था बेडरूम में भी उनने सिर्फ हमें एक वॉल का कॉर्नर दिया हुआ था वो कॉर्नर डिजाइन करना था ठीक है तो हमने ये ओल्ड एज ह्यूमन का एक रूम का कॉर्नर वाला सेक्शन डिजाइन करा जो कि इनके हिसाब से डिजाइन है पूरा ओके okay, कि इन इस एज के ह्यूमन को क्या क्या बेसिक नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग ठीक है फिर इस सेक्शन में से आपको किसी एक एलिमेंट पर फोकस करना था और उसमें आपको ये बताना था कि क्या प्रॉब्लम है और आप उसको किस तरीके से इनोवेट करके नया और इजी बना सकते हो यूज के लिए तो यहाँ से हमने ये वाला सेक्शन उठाया इधर ठीक है इसमें हमने हमारे अकॉर्डिंग चीजें ऐड करी कि ये और ज्यादा यूजेबल हो जाए तो यहाँ भी बेटा ह्यूमन फिगर आया यहाँ भी पर्सपेक्टिव आया यहाँ आपके आइडियाज आए ठीक है और उसको आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा तो जितने भी ड्राइंग के हमारे प्रिंसिपल्स थे वो सारे अप्लाई हो गए प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन में भी देन हम आगे बढ़ते हैं जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो ऐसे तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है अगर मैं सिर्फ आर्ट वाले सेक्शन की बात करूं तो आपको पेंटिंग्स बिल्डिंग्स या लोगों के बारे में आ, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं एन के वाले सेक्शन में तो इट इंक्लूड्स सेक्शन ऑफ जनरल नॉलेज विच कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज साइंस टेक्नोलॉजी करंट अफेयर एंड सोशल सोशल कल्चर इशूज ठीक है तो मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन उठाया आपके लिए विच इज रिलेटेड टू पेंटिंग यहाँ हमें पेंटिंग गिवन है और फिर पूछा ये पेंटिंग का नाम क्या है और द नेम ऑफ द आर्टिस्ट ओके सो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है बिल्कुल भी नहीं तो अगर आपने पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये है पेंटिंग जिसका नाम है द स्क्रीन जिसको बनाया है एडवर्ड मंक ने ओके okay. तो ये एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट की पेंटिंग है एक जर्मन आर्ट मूवमेंट था ये ठीक तो है तो ये जर्मन आर्टिस्ट है एडवर्ड मंक और इस पेंटिंग का नाम है द दिन इससे आपको ये भी नॉलेज हो जाएगा कि कितने आर्ट मूवमेंट्स होते थे या कितने आर्ट पीरियड होते थे किस आर्ट मूवमेंट किस आर्ट पीरियड में क्या फेमस वर्क हुए और उन फेमस वर्क के आर्टिस्ट कौन है सेकेंड हम आते हैं आर्किटेक्चर रिलेटेड क्वेश्चन पर तो ये हमें एक इमेज गिवन है और पूछा है वॉट इज दिस टावर कॉल्ड तो अगर आपने डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ा होगा आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ा होगा डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट कंट्रीज के आर्किटेक्चर के बारे में पता पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका नाम है द लीनिंग टावर ऑफ पीसा पीसा में एक टावर है लीनिंग टावर जो कि लीन होते जा रहा है इसलिए इसका नाम है लीनिंग टावर ऑफ पीसा और ये है इटली में और ये बना हुआ है रोमन एस्क्यू पीरियड में ओके okay. सेकेंड हम आते हैं लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन पर तो हमें लोगों में क्या इनोवेशन होता है क्या कौन से नए लोगों हैं कौन से पुराने लोगो हैं कौन सा सही लोगो है कौन सा गलत लोगों है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर हम बात करें कि विच लोगो इस करेक्ट तो यहाँ पर ये वाला लोगो करेक्ट है और ये हमने डिफरेंस कैसे पता लगाया थ्रू दिस स्टार्ट ओके okay. तो बेटा ये था बेसिक एन के ड्राइंग सिलेबस के बारे में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है प्रॉपर तरीके से कि परस्पेक्टिव कैसे ड्रॉ करते हैं ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं बेसिक ऑब्जेक्ट ड्राइंग कैसे करेंगे फिर इन सारी चीज़ों को आपको अप्लाई करना है जितने भी मैंने आप लोगों को अभी क्वेश्चंस बताए थे तो थैंक यू सो मच एवरीवन और कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो